प्राइवेट नंबर। हेलो असगर, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप कौन? मेरा नाम है टर्मिनेशन और मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और गेम का नाम है असगर टर्मिनेशन। ओ भाई, ओ कौन तुम? मुंह से मास्क तो हटाओ। तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, ये जानना ज़रूरी है कि अगर तुमने मेरे साथ ये गेम ना खेली तो क्या होगा। ये है मुजम्मिल, ये अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है और इसके माँ बाप का इसके अलावा कोई सहारा नहीं है और अब इसकी ज़िंदगी तुम्हारे पास उधार है। अगर तुमने कभी मेरा फ़ोन काटा या तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं इसे मार दूंगा। डेमो दिखाऊं तुम्हें? डेमो, क्योंकि उसके बगैर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। कौन है ये? तुम क्या कर रहे हो? कौन है ये? खोलो इसे। तुम्हें मेरी बात पर यकीन आया है या इसका कान काट कर दे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो, मुझे यकीन है, मुझे तुम्हारी बात पे पूरा यकीन है, ऐसा ना करो प्लीज। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने ये बात किसी को भी बताई, किसी को भी, तो इस लड़के की जगह तुम्हारा छोटा भाई होगा जो इस वक्त फातिमा हाई स्कूल की क्लास नंबर 5 में दूसरी लाइन के तीसरे बेंच पर बैठा है और इस वक्त सर ज़िया से इस्लामियात की क्लास में रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? मेरी नज़र हर वक्त उस पर और तुम्हारी माँ पर है, तो कोई बेवकूफ़ी मत करना। तुम ये सब क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या चाहिए क्या तुम्हें? मैं तो बस तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। कैसी गेम? असगर टर्मिनेशन, इस गेम में तुम्हें 7 दिन का रोज एक टास्क दूंगा, तुम्हें बस वो टास्क पूरा करना है और 7 दिन के बाद मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा और तुम्हें दोबारा कभी कॉल नहीं करूंगा। बहुत आसान गेम है। देखो कौन हो तुम, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? गेम के 2 रूल हैं, पहला कि तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं और दूसरा कि तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं, वरना नतीजा तुम्हें पता है। ठीक है मुझे मंजूर है, तुम इस लड़के को कुछ ना करना, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, पहला टास्क ये है कि अपने किचन में जाओ, छुरी उठाओ और अपने हाथ पर बड़ा सा एक टक लगाओ और उसकी फ़ोटो अपने बॉस को सेंड करो और 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। ये तुम क्या कह रहे हो? गेम का रूल पता है ना, अब जल्दी जाओ, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, टास्क पूरा करो फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है आपका? सनी कहाँ पे है? अच्छा, वो सनी को जो इस्लामियात पढ़ाते हैं स्कूल में टीचर, उनका नाम क्या? नहीं, वो बस दोस्त से बात कर रहा था सर के बारे में, तो वो ना जेन में उनका नाम नहीं आ रहा था तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, बस और कोई बात नहीं थी। मैं करता हूँ आपको शाम को फ़ोन। अल्लाह।
बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद थी तुम मेरी बात को जल्दी समझ जाओगे। अभी के लिए तो तुमने उन्हें बचा लिया, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ऐसा करो जख्म पर मिर्चे लगाकर पट्टी कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो, जख्म पर मिर्चे लगाओ और पट्टी बांध लो। आज का तुम्हारा यही टास्क था। अब मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, तब तक पट्टी मत खोलना, समझ गए? हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वो पता चला था आपके हाथ को टाफी लग गया। हाँ बस लग गया, बैठे हैं। वैसे हुआ क्या था? और बस वही सब्जी काटते वक्त बाबू गलती से छुरी लग गई, वो ज़्यादा ही लग गई। खैर बच बचा हो गया। हाँ बच बचा हो गया। मैं आया था, हेलो कोई है? सारी रात तुम दर्द से रोते रहे, अब बात कैसा है? ना ठीक हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त आया है, उसे चाय नहीं पिलाओगे? बहुत बुरी बात है, ऐसा करो उसके लिए चाय बनाओ और उसमें चूहे मार गोलियां डाल दो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे उसे मारने का कह रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा करो अपना बाहर वाला दरवाज़ा खोलो, उधर एक शीशी पड़ी होगी, उसे उठाओ और उसके दो कतरे चाय में डाल दो। उस शीशी में क्या है? एक केमिकल है जिससे वो सिर्फ थोड़ा सा बीमार होगा। देखो उस लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? ये तुम्हारा आज का टास्क है, इसे पूरा करो वरना तुम जानते हो क्या होगा। ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम असगर, क्या हालचाल है आपका? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक शुक्र अल्लाह का। यार आपके लिए एक बुरी खबर थी। क्या हुआ? खैर? आपका जो दोस्त है ना सनी, उसकी तबीयत कल रात से अचानक ख़राब हुई है। उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं तो अब डॉक्टर कह रहा है कि वो कोमा में चले गया। कैसे हुआ ये, कब हुआ है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कल रात को उसने कोई चीज़ खाई है जिसमें कोई केमिकल था, जिसकी वजह से उसके गुर्दे फेल हो गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारी वजह से सनी कोमा में चले गया। तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? क्या ये कैसे हुआ? तुमने उसकी चाय में एक कतरा ही डाला था ना? तुमने मुझे दो कहा था। मेरी गलती है, लेकिन चलो जैसा मैंने कहा था, वो मरा नहीं, बस थोड़ा सा बीमार हुआ है। थोड़ा सा बीमार? वो कोमा में चले गया, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं? मेरे लिए ये थोड़ा ही बीमार है। अब तुम्हारे आज के टास्क की बारी। अब कोई टास्क नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब बस ये सब क्या कर रहे हो? तुम गेम के रूल जानते हो, अब तुम जब भी मेरा फोन काटोगे सजा उसको मिलेगी। अगली दफा तुम्हारे फोन काटने पर मैं इसका कान काट कर तुम्हें भेज दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज उसको कुछ मत करो। मैं तुम जो कहोगे मैं करूंगा यार, उसको कुछ मत करो। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अब तुम्हारा आज का टास्क, घर से बाहर निकलो और उल्टी साइड की तरफ चलना शुरू कर दो। मैं हर वक्त तुम्हें देखता हूँ, पीछे मत देखो, सीधा चलते रहो। यही लड़का तुम्हारा टास्क है, उसका सिगरेट पकड़ो और फेंको और इसके मुंह पर मुक्का मारो। वो मारेगा मुझे? हेलो हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो,
मदद करी यार।